प्यारे आकद सल अल्लाह तै वसम के प्यारे दीवानों आज मेरी गुफ्तु का जो मौजू है वो स़रत हज़रत रु़ै रदी अल्लाह तहाँ और हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तहा है और इनशाला कल सरत सदा फ़ातिमत ज़हरा रदी अल्लाह तह बयान की जाएगी प्यार आकद सल अल्लाह तसलम के प्यारे दीवानों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की दूसरी बेटी हज़रत सदा रु़ै रदी अल्लाह तह ये आकाय करीम सल्लल्लाहु अल्लाह ताल वसल्लम के अलान नबूवत फरमाने से सात साल पहले यानी जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम की उम्र मुबारक तैतीस साल थी उस वक्त हजरत रुकै रजिय की विलादत हुई आप पैदा हुई और बचपन ही के अंदर हजरत रुकैया रजी अल्लाह तला का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के चचा अबू लहब के बेटे उतबा के साथ किया गया था लेकिन अभी तक उनकी रुखसती नहीं हुई थी यानी कि विदाई नहीं हुई थी निकाह हो गया था लेकिन विदाई बाकी थी अब जब हज़रत रुक़ रजी अल्ला तहा भी बड़ी हुई और इधर आकाए करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसम नेलान नबूवत फरमाया और फिर अबू लहब ये आकए करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की मुखालफ़त पर ऐसा उतर आया कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम का हर मोड़ पे विरोध किया और आकाई करीम सल्लाह ताल वसल्लम पर तरह तरह के जुल्म ढाए और सिर्फ अबू लहब ही नहीं बल्कि उसकी बीवी उम्म जमील भी ये नबी पाक सल्ला वसल्लम को सताती थी और इतनी मालदार होने के बावजूद भी वो अपने सर पे लकड़ियों का गट्ठर उठा के लाती और वो आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों के अंदर कांटे बिछाया करती थी प्यारे आकाश वसल्लम के प्यारे दीवानों तो फिर जब अल्लाह तबारक तआला ने अबू लहब और उसकी बीवी की हलाकत के ताल्लुक से कुरान करीम में सूरह मुबारक नाजिल फरमाई जिसको आप सब जानते हैं तब्बत यदा अबी लहबी व तब ये जो मुकम्मल सूरत है यह पूरी सूरत अबू लहब की और उसकी बीवी उम्मे जमील की हलाकत की खबर देने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल फरमाई तो जब कुरान करीम में अबू लहब की और उम्मे जमील की बुराई बयान की गई और उसकी हलाकत के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई सुरह मुबारक नाजिल फरमाई तो फिर उसने अपने बेटे उतबा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जब तक तू मोहम्मद वसल्लम की बेटी को तलाक नहीं दे देता उस वक्त तक तेरा हमारे साथ उठना बैठना हमारे साथ खाना पीना हमारे साथ रहना ये सब हराम है यानी हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं जब तक के वो तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक नहीं दे देता प्यारे, प्यारे निकाह तो हो चुका था शादी तो हो चुकी थी लेकिन विदाई नहीं हुई थी रुखसती नहीं हुई थी अभी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तहा नबी पाक अलैहि वसल्लम के घर ही में रहती थी तो उसने उस वक्त यहां पर आकर उसने तलाक दे दी प्यारे वसल्लम के प्यारे दीवानों तो आकाई करीम सल्लल्लाहु सल्लाह वसल्लम को इसके इस फेल से हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई आपका बड़ा दिल दुखा और आप भी बड़े गमजदा हुए मुस्तफ़ा करीम के दीवानों हजरत रुकैया रजी अल्लाह ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था जिस वक्त हजरत सैदा खदिजतुल्कुब्रा रजियल्ह ने भी कलमा पढ़ लिया था अब क्या हुआ कि इधर हजरत ऊस्मान गनी अभी ईमान नहीं लाए थे हजरत ऊस्मान गनी हो, अपने खानदान के बड़े खूबसूरत शख्स थे बल्कि हज़रत ऊस्मान गनी रजियल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिनको पैकर शर्मो हया कहा जाता है खूबसूरती भी अल्लाह ने अता फरमाई थी और शर्मो हया का पैकर भी अल्लाह ने आपको बनाया था प्यारे, प्यारे दीवानो अब क्या हुआ कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तहो की खाला थी जिसका नाम था सईदा वो हजरत उस्मान गनी के घर आई और वो आसमानी जो पहले की किताबें थी उसके अंदर वो महारत रखा करती थी उसे आसमानी पहले की किताबों के तालुक से बहुत सारा इल्म था और उसको कहानत के अंदर भी बड़ी महारत हासिल थी उसने हजरत उस्मान गनी को देखा तो उसने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो कई मरतबा आपको मुबारक कहा गया और मुबारकबाद पेश की गई और कहा तुम्हारे लिए खुशखबरी है तुम्हारे लिए सलामती है तुम्हारे लिए बरकतें हैं तुम्हारे लिए सलामती के लफ्ज इस्तेमाल किए और तरह तरह की बातें की तो उस वक्त फिर आपकी खाला ने आपसे कहा कि अल्लाह की कसम तुमने एक निहायती पाकिजा और बेहतरीन किरदार वाली आब हसीना और जमीला खातून से निकाह किया ये आपने लफ्ज इस्तेमाल किए तुम भी कुंवरे हो और तुम्हारे निकाह में भी अल्लाह ताला एक कुंवारी लड़की खूबसूरत अता फरमाएगा और वो बड़े जलीलुल कद्र और अजीमुल मरतबत शख्स की बेटी तुम्हारे निकाह में आएगी ये इस तरह की बातें आपसे कही तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी को बड़ा ताजुब हुआ क्योंकि अभी तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान भी नहीं हुए थे अभी तो ईमान भी नहीं लाए थे अभी तो उनका निकाह भी नहीं हुआ था कोई मामला भी नहीं था तो उस वक्त जब ये सारी गुफ्तगु उनकी खाला की उन्होंने सुनी तो आप बड़े ताज्जुब में आ गए और ये पूछा कि आप क्या कहना चाहती है जो भी कहना है आप इशारों में नहीं कहिए बल्कि साफ साफ बताइए ताकि मुझे पता चले तो उस वक्त आपकी खाला ने आपसे कहा कि ए उस्मान ए उस्मान औसमान तुम खूबसूरत हो और तुम्हारे निकाह के अंदर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु वसल्लम की बेटी आएगी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम जिन्होंने अभी अपने नबी होने का ऐलान किया है वो मोहम्मद वसल्लम तुम्हें अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में अता फरमाएंगे यह बिल्कुल साफ बात आपकी खालान उस्मान गनी को कह दी अब उस्मान गनी अभी तो मोमिन ही नहीं हुए थे अभी तो कलमा ही नहीं पड़े थे अब आपके दिमाग में ये बातें घूमने लगी और आप बड़े फिक्रमंद रहने लगे तो हजरत उस्मान गनी की हजरत सिद्दीक अकबर के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती थी सिद्दीक अकबर के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती थी तो एक मरतबा सिद्दीक अकबर अजील तुम बैठे हुए थे और उस्मान गनी भी उनके पास जाके बैठ गए उस्माने गनी जैसे बैठे तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि आप बड़े सिद्धिकंद लगते हैं बड़ी सोच में हैं। कौन सी बातों ने आपको फिक्र में मुबतला कर दिया है तो उस वक्त उस्मान गनी ने कहा कि मेरी खाला ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिसकी वजह से मैं फिक्र में हूं मैं सोच रहा हूं का क्या कहा है कि मेरी खाला यूं कहती थी कि जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया है वो अन करीब तुम्हें अपनी बेटी अता करेंगे और तुम्हारे साथ उनका निकाह किया जाएगा तो मैं यही सोच रहा हूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे होगा और क्या मामला है तो उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तला तो ईमान ला चुके थे क्योंकि सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा था उस जात का नाम सिद्दीक अकबर रजील्ला है तो उस वक्त सिद्दीक अकबर ने कहा कि उस्मान, तुम तो बड़े अक्लमंद हो तुम तो बड़े होशियार हो और तुम्हारे जैसा बंदा अगर हक और बातिल में फैसला न कर सके तो यह बड़ी ताज्जुब की बात है तो कहा तुम कहना क्या चाहते हो कहा कि मैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूं मेरा मशवरा यह है कि तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा मैं ये चाहता हूं कि तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा हजरत उस्मान गनी को सिद्दीक अकबर ने यह मशवरा दिया दोस्त हो तो ऐसा हो दोस्ती हो तो ऐसी हो कि अभी मोमिन नहीं हुए थे अभी कलमा नहीं पड़ा था लेकिन दोस्त थे तो उनको भी ईमान की दावत पेश कर दी उनको भी कलमे की दावत पेश कर दी मुस्तफा करीम के दीवानों इसलिए दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम रास्ता भटक जाएं तो हमारा दोस्त हमें सही रास्ते पर लेके वापस चला आए हमें गुमराह न होने दे हमें बहकने न दे हमें गुनाहों के दलदल में फंसने न दे सिद्दी के अकबर उस्मान गनी को ये बात कहते हैं तो उस्मान गनी नबी पाक सल्लल्लाहु अल्लाह तै वसम की बारगाह में हाजिर होते हैं हुजूर की बारगाह में पहली मरतबा हाजिरी उस्मान गनी बारगा मुस्तफ़ा में हाजिर हुए तो अकई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए उस्मान अल्लाह ताला तुमको जन्नत की तरफ बुलाता है तुम उसको कबूल करो मैं तुम्हें अल्लाह तबारक वाले का रसूल मैं तुम्हें उस जन्नत की तरफ दावत दे रहा हूँ मुस्तफ़ा करीम के दीवानों मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता हूँ तमाम मखलूक की तरफ मैं भेजा गया हूँ रसूल बनकर और मैं भी तुम्हें उसी अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूं इतना ही कहना था हजरतानी रज्ला फरमाते हैं कि खुदा बेहतर जानता है कि उन जुमलों के अंदर क्या तासीर थी हुजूर के उन जुमलों में क्या तासीर थी मैंने ना कुछ सोचा और न ख्याल किया मैं सीधा हुजूर के कदमों में बैठ गया और मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम में, में दाखिल हो गया और मैंने पढ़ लिया अशहद अशहदू मुस्तफा करीम के दीवानो हजरत उस्मान गनी जैसे मुसलमान हो गए उनको बड़ा सताया गया बड़ा परेशान किया गया उनके चचा ने उनको बांध दिया और बांध के इतना मारा इतना पीटा आपको कहा कि तू जब तक तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ेगा नहीं वहां तक मैं तुझे मारता रहूंगा तो उस्मान गनी ने यह कहा था कि ये जिस्म अब तेरे हवाले हैं लेकिन ये दिल तो हुजूर का गुलाम है तो जो चाहे कर ले, लेकिन मेरे दिल से ईमान नहीं निकल सकता है मैं ये सोच रहा हूं कि वो क्या लोग थे जो सिर्फ एक बार कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाते थे इतनी मुसीबतों के बाद भी वो फिर इस्लाम से निकलते नहीं थे इस्लाम छोड़ते नहीं थे अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं मारा जा रहा है सताया जा रहा है लेकिन इस्लाम छोड़ते नहीं है क्यों पता है इसलिए कि वो चेहरे मुस्तफा का वो कमाल था जिसने हुजूर का एक बार चेहरा देखा और फिर कलमा पढ़ के दामन इस्लाम में दाखिल हो गए फिर उनके अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई ऐसा इश्क पैदा हो गया ऐसा प्यार पैदा हो गया कि वो सारी दुनिया तो छोड़ने के लिए तैयार हो गए लेकिन हुजूर की गुलामी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए प्यारे आकाश तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों फिर जब हजरत उस्मान गनी ईमान ले आए तो आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर अपनी नूर नजर हजरत रुकैया रजी अल्लाह तहा का निका से कर दिया हजरत उस्मान गनी से कर दिया मुस्तफ़ा करीम के दीवानों ऐलान नबूबत के पांचवे साल जब नबी पाक ने ऐलान फरमाया उसके पांच साल बाद पांचवे साल जब अहले मक्का का जुल्म उरूज पर था जो भी कलमा पड़ता उसको मारा जाता जो भी कलमा पड़ता उसको सताया जाता के दोनों हाथों में के अंदर रसिया तरह खुले बदन नंगे बदन उनको तपती हुई रेत पे लेटा दिया जाता बड़े बड़े पत्थर उनके सीनों पर रख दिए जाते उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते उनको भूखा और प्यासा बांध दिया जाता और उनको बड़ी बड़ी चटाइयों के अंदर लपेट दिया जाता और एक तरफ से धुआं दिया जाता ताकि उनकी सांसे भर आए और आखिरकार वो, आखिर वो इस्लाम को छोड़ दे इस तरह अजीब अजीब तरह उन पे जुल्म किया जाता लेकिन जितना सताया जाता इस्लाम और बढ़ता चला जाता था जितना उनको परेशान किया जाता इस्लाम और फैलता चला जाता था मुस्तफा करीम के दीवानों उनके से चमड़िया तो नोची जाती थी लेकिन दिल से ईमान नहीं निकाला जा सकता था यह था उस वक्त ईमान का जज्बा मुस्तफा करीम के दीवानों तो जिस वक्त जुल्म पर था और अहले मक्का हर तरह से ईमान वालों को सताते थे और परेशान करते थे तो आकाई करीम ने उस वक्त अपने की राम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था सबसे पहले हिजरत कौन सी थी हबशा जिसको आज के दौर में कहा जाता है जो बर आजम अफ्रीका का एक मुल्क माना जाता है मुस्तफा करीम के दीवानों जिसके रहने वाले को हबशी कहा जाता है तो हबशा की तरफ आकाय करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा हिजरत का हुक्म इरशाद फरमाया और उस वक्त हजरतान तुम जहतरमा नबी पाक सल्लाम की प्यारी बेटी सैदा रुकैया रजी अल्लाह तहा के साथ आपने हबशा की तरफ हजरत फरमाई मेरा सल्ला फरमाया करते थे हजरत इब्राहिम और हजरत सलाम के बाद जिसने अपनी बीवी के साथ हिजरत की हो वो सबसे पहली शख्सियत उस्मान गनी की है। भाला, भाला, भाला। हजरत इब्राहिम और हजरत लूत सलाम के बाद जिसने अपनी बीवी के साथ दीन के लिए हिजरत की हो अपना वतन छोड़ा हो तो उन वतन छोड़ने वालों में सबसे पहली शख्सियत इन नबियों के बाद अगर कोई है तो उस्मान गनी की जात है बहुत बड़ी बात है मक्का छोड़कर अरब छोड़ के हबशा की तरफ हिजरत करना सिर्फ अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने ईमान को बचाने के लिए कुफारे मक्का के जुल्मों सितम से बचने के लिए मुस्तफा करीम के दीवानों जब हिजरत फरमाई तो उस वक्त जब आप हबशा गए तो उस वक्त वहां के नजाशी बादशाह ने जितने भी साहबाते सबको पनाह दी और रहने की जगह दी और सबको अच्छे से रखा उस वक्त हजरत उस्मान गनी रजियाल्लाहो कि यहां हजरत रुकैया रजी अल्लाह तलाहा के बतन मुबारक से एक बेटा पैदा हुआ हबशा के अंदर जिनका नाम था अब्दुल्ला इसलिए उस्मान गनी को अबू अब्दुल्ला कहा जाता है आपकी कुन्नीत क्या है अबू अब्दुल्ला ये इसी वजह से कहा जाता है कि आपके जो बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह त लेकिन वो भी लंबी ज़िंदगी उन्होंने दुनिया में नहीं गुजारी वो जब कुछ बड़े हुए तो एक मुर्ग ने आपकी आँख में चोंच मार दी थी जिससे आपकी आँख खराब हो गई और उसकी वजह से आपके पूरे चेहरे पर वरम आ गया और उसी बीमारी के अंदर उसी तकलीफ़ के अंदर हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था प्यारे वसल्लम के प्यारे दीवानों फिर हबशा से आकर हजरत उस्मान गनी रजियाल तहो और हजरत रुकैया रजी अल्लाह तह ने मदीन तय्यबा तो की हिजरत फरमाई थी बहुत कम ऐसे खुश नसीब है जिनको दो हिजरतों का मौका मिला उन्हीं खुश नसीबों के अंदर उस्मान गनी और हजरत रुया रदी अल्लाह तहा की जात है सल्लल्लाहु प्यार आकद्ला तारे दीवानो तो उन खुश नसीबों के अंदर हजरत उस्मान गनी और हजरत रुकैया है प्यार सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों फरमाया गया कि हजरत उस्मान गनी और हजरत रुकैया रजी अल्लाह तहा का जो जोड़ा था वो बड़ा हसीन और जमील जोड़ा था बड़ा खूबसूरत जोड़ा था बल्कि मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं कि एक मरतबा अकाय करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ओसामा बिन जैद रजी अल्लाह तहो को हजरत उस्मान गनी की तरफ भेजा उस्मान गनी के पास भेजा तो जब हजरत ओसामा बिन जैद रजियह तहो ये कौन है पता है जैद बिन हारेसा के बेटे हैं मैंने कहा था ना कौन जैद बिन हारेसा शायद आपको याद दिला दो भूल गए हो तो वो जैद बिन हारेसा जो हुजूर के गुलाम थे लेकिन उन्होंने अपने मां बाप को हुजूर के लिए छोड़ दिया तो अकाये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैद आज से मेरा बेटा है वो ही जैद बिन हारेसा के बेटे हजरत ओसामा बिन जैद जब मैं हजरतान पास गया तो उस वक्त रजिय दोनों एक साथ बैठे हुए थे और कुछ गुफ्तगु फरमा रहे थे तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे हसीन और उनसे खूबसूरत जोड़ा दुनिया में किसी को देखा ही नहीं था मैंने बहुत सारे लोगों को देखा मैंने बहुत जोड़े दुनिया में देखे लेकिन इनसे हसीन जोड़ा मैंने किसी का देखा नहीं था फिर मैं एक नजर उस्मान गनी को देखता और एक नजर हजरत रुकैया को देखता मुस्तफा करीम के दीवानों फिर जब मैं वापस हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो अकाई करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम अंदर दाखिल हुए थे क्या तुम अंदर गए थे मैंने अर्ज की जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंदर गया था तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल रायता जौजन अहसना मिन हुमा उल्टा ला उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ओसामा क्या तुमने इनसे हसीन कोई जोड़ा देखा है इनसे खूबसूरत कोई जोड़ा देखा है तो उस वक्त हजरत ओसामा कहते ना मैंने इनसे हसीन और इनसे खूबसूरत मैंने किसी का जोड़ा देखा नहीं है और ये दूसरी हदीस है कि हजरत इब्ने अब्बास رضی اللہ تعالی से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनल्लाहा अवहा इलया अना अज़व वजा करीमतई उस्मान ابن عفان बेशक अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही नाज़िल फरमाई कि मैं अपनी दोनों बेटियों का निकाह उस्मान गनी से कर दूं दोनों बेटियों का निकाह उस्मान गनी से कर दो मुस्तफ़ा करीम के दीवानों तो यह बड़ा हसीन और खूबसूरत जोड़ा था जो अल्लाह तबारक मुंतखब फरमाया था इसलिए कि हजरत उस्मान के साथ हजरत रुकैया के निकाह के ताल्लुक से और हजरत उम्मे कुलसुम के निकाह के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने मेरे आका को इरशाद फरमाया था कि ए महबूब तुम अपनी दोनों बेटियों का निकाह उस्मान गनी से करना यानी यकेबादी करे एक के इंतकाल के बाद दूसरी को निकाह में देना वरना एक साथ दो बेटियों के साथ निकाह करना जायज नहीं है दो बहनों को एक निकाह में लाना जायज एक ही साथ निकाह में लाना जायज नहीं है एक के इंतकाल के बाद दूसरी को निकाह में लाना ये इस्लाम में जायज है अलैहि वसल्लम के प्यारे, प्यारे दीवानों लेकिन आप जानते हैं कि हजरत फातिमत ज़हरा रजी अल्लाह तहा के सिवा हजूर की तीनों बेटियां अक्का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाने ही के अंदर इंतकाल फरमा गई उनकी बड़ी लंबी उम्र नहीं थी बिल्कुल जवानी के अंदर सबका इंतकाल हो चुका हजरत खातून जन्नत फातिमात जहरा रजी अल्लाह तहा का भी इंतकाल जवानी में ही हुआ बस फर्क इतना है कि यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के छह महीने बाद हुआ और दूसरी जितनी आपकी साहबजादियां हैं उनका विसाल उनका इंतकाल हुजूर के विसाल से पहले हुआ अब क्या हुआ सन हिजरी दो के अंदर जिस वक्त जंगे बद्र हुई जंगे बद्र हुई उस जमाने के अंदर हजरत रुकैया रजी अल्लाह तनहा खूब बीमार हो गई बड़ी अलील हो गई और इसीलिए अकई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ऊस्मान गनी को और हजरत ओसामा बिन जैद को मदीना में छोड़ा था कि तुम बदर के मैदान में नहीं आना तुम मैदान जंग में नहीं आना तुम्हें उसमें शिरकत नहीं करनी तुम मदीना में रहो और हजरत रुकैया की देखभाल करो वो बीमार हैं उनकी हिफाजत के लिए उनकी तीमारदारी के लिए उनकी खबरगिरी के लिए तुम मदीन तय्यबा तो में रहो मुस्तफा करीम के दीवानों याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की दीन की कुर्बानियों का अंदाजा लगाए मेरे आका ने दीन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां पेश फरमाई खुद की बेटी हजरत रुकैया बीमार है लेकिन मेरे आका दीन के खातिर बद्र के मैदान में दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं खुद की बेटी बीमार है लेकिन बद्र के मैदान में दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और क्या हुआ रमजानुल मुबारक का महीना था और अभी जंग जारी थी बद्र के मैदान में उसी वक्त हजरत रुकैया रजी अल्लाह तला का इंतकाल हो गया हजरत रुकैया विशाल फरमा गई और उस वक्त जब हजरत रुकै रजियल्ल्लाहा का इंतकाल हुआ तो हज़रत ऊस्मान गनी और हज़रत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तहमा ये दोनों मिल के हजरत रुकै रजिय की लिए आपने आपके कफन दफन की तैयारी की कबर खो दी गई मुस्तफ़ा करीम के दीवानों जिस वक्त हजरत रुकै रजियल्ल्लाहा को कबर में रखा गया और जिस वक्त आपको दफन किया जा रहा था उसी वक्त हजरत जैद बिन हारेसा मदीन तयबा तो में आए और लोगों को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने मुसलमानों को बदर के अंदर फतेह अता फरमा दी है अल्लाह ने मुसलमानों को बदर के अंदर कामयाबी अता फरमाई है हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तुमा से मरवी है क्या करीम सल्लाम की तशरीफ आवरी पर हजरत सैदा रुकैया रदी अल्लाह तहा का हाल जब अर्ज किया गया तो आकाई करीम सल की तंखों में आंसू आ गए और आप बड़े गमजदा हुए इसलिए आकाई करीम सल अल्लाह को अपनी बेटी के जाने का बड़ा दुख हुआ और दुख इस बात का भी था कि मैं मौजूद नहीं था और मेरी बेटी इंतकाल कर गई और उनको दफन किया गया मुस्तफ़ा करीम के दीवानों दीन के लिए कुर्बानियां है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खातिर कुर्बानियां कि सगी बेटी का इंतकाल हो चुका है उनको दफन कर दिया गया है लेकिन मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के खातिर जंग लड़ रहे हैं आप यहां से अंदाजा लगाएं कि दीन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की गई है तब जाके ये दीन हम तक पहुंचा है हमारे पास आया है आज हम अपने घर में अगर बेटी बीमार हो तो नमाज छोड़ देते हैं आज हमारे घर में हमारा भाई बीमार हो तो नमाज छोड़ देते हैं अपने घर के अंदर मां बीमार है तो नमाज छूट जाती है अपने घर में बाप बीमार है तो नमाज छूट जाती है मुस्तफा करीम के दीवानों मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे आलम में दीन के लिए जंगे लड़ी है जब आपकी बेटी दुनिया से पर्दा फरमा गई है इंतकाल फरमा गई है और उनके नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं फरमाई और उनके कफन दफन के मामला में भी शिरकत नहीं फरमाई मुस्तफा करीम के दीवानों यहां से अंदाजा लगाओ कि दीन के लिए कुर्बानियां पेश करना कितना जरूरी है दीन के लिए कुर्बानियां कितनी जरूरी है और हमें इस बात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है हम मामूली सी बातों के अंदर नमाजें छोड़ देते हैं लेकिन हमें आकाए करीम अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से यह दर्श लेना है और हमें अपनी जिंदगी के अंदर इन बातों को शामिल करना है कि कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए लेकिन हमें किसी भी हद में किसी भी हाल में हमें दीन को नहीं छोड़ना है और हमें शरीयत मुतहरा की पाबंदी को नहीं छोड़ना है हमें इबादत को तर्क नहीं करना है मुस्तफ़ा करीम के दीवानों है हजरत रुकैया रदी अल्लाह की जिंदगी के कुछ गोशे जो मैंने आप हजरात तक पहुंचाए हैं अब जो अकई करीम सल्लल्लाहु वसल्लम की तीसरी बेटी है जिनका नाम है उम्म कुलसुम। क्या नाम है हजरत उम्म कुलसुम रजियल्लाह ये हजरत रुकैया रजी अल्लाह तहा से एक साल छोटी हैं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह तहा से एक साल छोटी है और ये भी हज़रत खलिजतलकब्रा रजी अल्ला के साथ साथ उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था जिस वक्त आकए करीम सल वसलम ने अपना ऐलान नबूवत फरमाया तो अबू लहब का जो दूसरा बेटा था उतबा उस उतबा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कुलसूम रजियल्ला का निका किया था लेकिन यहाँ पर भी वही मामला था कि निकाह तो हो चुका था शादी तो हो चुकी थी लेकिन रुखसती नहीं हुई थी विदाई नहीं हुई थी तो जिस वक्त वो सुरह मुबारक नाजिल हुई तबत यदा अबी लहबी व तब तो उस वक्त अबू लहब और उसकी बीवी ने अपने बेटों को जबरदस्ती इस बात पर उस उबारा और मक्का ने भी उनको तैयार किया कि तुम किसी भी तरह मोहम्मद अरबी वसल्लम की बेटी को तलाक दे दो तो जिस वक्त हजरत उम्मे कुलसूम को तलाक हुई ओतबा मेरे आकाश वसल्लम के पास आया और उसने हजरत उम्मे कुलसुम को तलाक दी और सिर्फ तलाक ही नहीं दी उसने अकाय करीम सल्लाह अलैहि वसल्लम की शान के अंदर बड़े नाजेबा कलिमात कहे अकाय करीम सल्लल्लाहु वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखियाँ की बेअदबी की और उसने ऐसे जुमले कहे जो नहीं कहना चाहिए थे तो अकाय करीम सल्लाह वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई बड़ा दुख हुआ एक दुख तो यह था एक तकलीफ तो यह थी कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दी और दूसरा दुख यह कि उसने अकई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा हुजूर की शान में गुस्ताखिया की उसने एक तो किस एतबार से कि चचा का बेटा है एक तरफ तो भाई लगता है ना चचा का बेटा है अबू लहब चचा लगता था हुजूर का और चचा का बेटा होकर के हुजूर को गालियां दे रहा है बुरा बला कह रहा है और एक तलाक दे रहा है एक तरफ हज़रत तो बड़ी तकलीफ हुई जब वो उस वक्त जब ऐसे कलमात कहे उसने तो नबी पाक सल्लाह ने उसके लिए बदुआ फरमाई और फरमाया कलबन बिनकलाबी किलाबिक, अल्लाह तबारक अपने कुत्तों में से एक कुत्ता तुझ पर मुसल्लत कर दे ये आकाई करीम सल्लल्लाहु ने नेतयबा के लिए बद दुआ की और उस वक्त वो मुल्क शाम की तरफ सफर करने वाला था मुल्क शाम की तरफ जाने वाला था एक काफले के साथ वो रवाना होने वाला था जिस वक्त मेरे आकाश सल्लाह वसलम ने बद दुआ की उस वक्त अबू तालिब वहीं पर मौजूद थे हजरत अली के वालिद साहब अबू तालिब वहां पर मौजूद थे जब हुजूर ने बद की तो अबू तालिब को बड़ा रंज हुआ बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे भतीजे की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है वो मुस्तजाब दावा अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल फरमाता है इसलिए उन्हें तकलीफ हुई कि कई उतैबा हलाक ना हो जाए कई उतैबा बर्बाद ना हो जाए और फिर कहा कि मेरे भतीजे की से तुझे कौन बचाएगा अब मुझे समझ में नहीं आता इसलिए कि मेरे भतीजे की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है मुस्तफा करीम के दीवानों उतैबा ताजिरों के साथ बिजनेसमैन के साथ एक काफले के अंदर वो मुल्क के शाम की तरफ रवाना हुआ लेकिन वो जब भी कहीं पर रुकता तो उसे एक ही डर होता कहीं मुझ पर कोई हमला ना कर दे मुझे कोई शेर आके फाड़ ना खाए कोई दरिंदा कोई जानवर मुझ पर हमला ना कर दे उससे हर वक्त यह डर रहता था क्योंकि जब से हुजूर ने बद दुआ दी थी उसके दिल का सुकून छिन गया था वो उसे पता था कि उनकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है और एक तरफ तो अबू तालिब ने भी कह दिया था इसलिए उसकी बेचैनी और बड़ी हुई थी एक रात क्या हुआ बीस सफर के अंदर रास्ते के अंदर वो और पूरा काफिला सोए हुए थे आराम कर रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ कि एक शेर आया और शेर जब आया तो सारे काफले वालों के पास जाके एक एक बंदे को सूंघने लगा सब को सूंघ रहा है वो लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता अब आया सीधा उतैबा के पास और पर के पास आकर सीधे उसको सूंगा और सूंगने के बाद उसका सर अपने मुंह में ले लिया और उसको फाड़ दिया मुस्तफा करीम के के दीवानों पता चला कि जो अल्लाह नबी का दुश्मन होता है उसको तो जानवर भी पहचान लेते हैं उसको तो दरिंदे भी पहचान लेते हैं और जो हुजूर से दुश्मनी करेगा वो कभी बच के नहीं रहने वाला वो हजारों के बीच में हो वो लाखों के बीच में हो अल्लाह तबारक वाला जरूर उसको हलाक फरमाने वाला है उसको तबाह बर्बाद फरमाने वाला है और मुस्तफ़ा करीम के दीवानों फिर हुआ ये कि ओतेबा को फाड़ दिया गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसको मार डाला शेर ने और उसका खात्मा कुफर पर हुआ वो हलाक हो गया वो बर्बाद हो गया मुस्तफ़ा करीम के दीवानों क्यों बर्बाद ना होता क्योंकि बदुआ जो ताजदार कायनात ने फरमाई थी मुस्तफा करीम के दीवानों वो हलाक हो गया वो बर्बाद हो गया जब उसने हजरत उम्म कुलसुम को तलाक दे दी थी तो दो हिजरी में जब हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया तो आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्म कुलसुम का निकाह भी हजरत उस्मान गनी से कर दिया था हजरत उस्मान गनी से कर दिया था मुस्तफा करीम के दीवानों बल्कि एक रिवायत है उम्मे आयाश जो हजरत रुकिया बसूल की खादेमा थी आपकी नौकरानी थी आपकी कनीज थी वो कहती है क्याई करीम सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उम्म कुलसुम का निका उस्मान के साथ वही आसमानी आसमानी ही के जरिए से किया है यानी जब अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल फरमाई कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हजरत रुकैया का इंतकाल हो चुका है अब तुम अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुम का निकाह भी उस्मान गनी से कर दो अल्लाह ताला ने हुजूर की बेटियों के लिए उस्मान गनी को मुंतखब फरमाया था समझो अल्लाह ने कितना बड़ा मरतबा उस्मान गनी को अता फरमाया है कितनी बड़ी शान उस्मान कनी को अता फरमाई है और एक और रिवायत है जिसको हजरत अबू हरेरा रज अल्लाह उन्होंने रिवायत किया है कि नबी पाक वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जबरी अमी तशरीफ लाए और अर्ज किया कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि उस्मान क निका उम्म कुलसुम के साथ रुकैया के महर के बराबर और उन्ही के रिफाकत के मिसल पर कर दिया जाए यानी अब हजरत रुकैया तो नहीं रही लेकिन उन्हीं के मस महर के मकदार पर उन्हीं के महर के मुताबिक हजरत उम्म कुलसुम को भी उनके निकाह में दे दिया जाए प्यारे आकाश अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने कुलसुम का निकाह भी हजरत उस्मान गनी के साथ कर दिया इसीलिए मेरे इमाम ने कहा नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का हो मुबारक तुमको जुन नुरैन जोड़ा नूर का हो मुबारक तुमको जुन नुरैन जोड़ा नूर का मुस्तफ़ा करीम के दीवानों हजरत उस्मान गनी के निकाह हुजूर की दो बेटियां आई तो उस्मान गनी को दो नूर वाला बना दिया इसलिए कि मेरे नबी के घराने का हर फर्द नूर वाला है मेरे नबी की हर बेटी नूर वाली है मेरे नबी के घराने का हर बच्चा नूर वाला है इसीलिए मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का मुस्तफ़ा करीम के दीवानों हज़रत उम्म कुलसुम रजी अल्लाह तहा भी बहुत लंबे वक्त तक दुनिया में नहीं रही इनका भी इंतकाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी से पहले हो चुका था और जब आपका इंतकाल हुआ तो यकीन जाने आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बड़ा रंज हुआ बड़ी तकलीफ हुई अगर आज के दौर में अगर ये वाकया हमारे साथ हो जाए तो अल्लाह ने किसी को चार बेटियां दी हो और चारों बेटियां जवानी में इंतकाल कर जाएं चारों बेटियां तो हम लोग क्या ख्याल करते हैं किसी ने हमारे घर पे जादू कर दिया किसी ने हमारे साथ ये कर दिया है चलो एक का इंतकाल होता दो का होता चारों का हो गया मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है हमारे घर में कुछ ना कुछ हो रहा है किसी का साया है कोई खबीस है कोई जीन है या किसी ने जादू किया है इस तरह की बातें हम अपने ख्यालों में बिठा देते हैं और अपने ख्यालों में ऐसी बातें बिठाकर खुद भी तो हैरान होते ही हैं अपने पूरे खानदान को परेशान करते हैं कुछ बात आप ये तो समझें कि जो तकदीर में है वो होने वाला है जो हमारे मुकद्दर में है वो होने वाला है मुस्तफा करीम के दीवानों आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सात औलादे कितनी सात औलादे उनमें से छह औलाद वो हैं जिनका इंतकाल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने हुआ है हुजूर की आंखों के सामने और तीन जो आपके लड़के थे वो तीनों लड़के तो बचपन ही में इंतकाल कर गए दूध पीने के जमाने में बचपन ही में इंतकाल कर गए और आपकी बेटियां जो इंतकाल फरमा रही है तो आप देखें ना कि एक बेटी का इंतकाल हिजरत फरमाने के बाद हो जाता है दो ही हिजरी के अंदर हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया और उसके बाद फिर हजरत उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो जाता है आठ हिजरी के अंदर जरत जैनब का भी इंतकाल हो जाता है ये तीनों बेटियां भी हजूर सलम की मौजूदगी के अंदर आपके जमाने जाहिरी के अंदर इंतकाल फरमा रही है लेकिन मेरे आकाने कभी यह कहा कि न जाने मुझ पर किसी ने जादू कर दिया किसी ने यह कर दिया है किसी ने वो कर दिया है इसलिए हमें भी थोड़ी समझने की जरूरत है मुसीबतें आए परेशानी आए तो हर वक्त जहन उल्टी तरफ नहीं दौड़ाना है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा बल्कि हमें अल्लाह की रजा पे राजी रहना है अल्लाह की रजा पे राजी रहना है मौला ने दिया है और फिर वो ले ले तो फिर गम नहीं करना जब वो देता है तो खुश होना चाहिए और जब वो ले ले तो फिर हमें सब्र करना चाहिए उसकी रजा पे राजी रहना चाहिए मुस्तफा करीम के दीवानों तो हज़रत उम कुलसुम रजी अल्लाह ताला का भी इंतकाल हो चुका था और ये भी आकई करीम सल्लल्लाहु ताला सल्ला वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी के अंदर ही आपका इंतकाल हुआ मुस्तफ़ा करीम के दीवानों आप जानते हैं कि आपके बतन मुबारक से कोई औलाद नहीं हुई थी उम कुलसुम रजी अल्लाह तह की कोई औलाद नहीं थी जब आप इंतकाल फरमा गई तो आकई करीम सल्ला वसम तजहीज़ तजह तकफीन के बाद नमाज जनाजा खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त खूब सदमे में होते हैं और आपकी आंखों से आंसू बहते हैं बल्कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला तहों से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला तहा की कब्र पर देखा कि मैंने उनकी दोनों आंखों में आंसू बहते हुए देखे थे मुस्तफ़ा करीम के दीवानों क्यों ना आंसू आंखों में बहे इसलिए कि जिनको मोहब्बतों से पाल के बड़ा किया था जिनको अपने कंधे पे उठाया था जिनको सीने से लगाया था फिर उनका इंतकाल निगाहों के सामने हो जाए और बड़ी जवानी में इंतकाल हो जाए तो फिर रंज तो होता है तकलीफ तो होती है लेकिन मेरा वसल्लम ने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की कि मौला तूने मेरी सारी बेटियां और सारी औलादे तूने ले ली मेरे आका ने कभी भी रब की बारगाह में शिकायत नहीं की बल्कि रब की रजा में राजी रहे रब की मर्जी में वो राजी रहे रब जो चाहता है वही करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सब्र किया और इससे बढ़कर सब्र क्या हो सकता है कि एक बाप अपनी निगाहों के सामने छ छ औलाद को दुनिया से जाता देखे इससे बढ़कर और सब्र क्या हो सकता है लेकिन कोई बताए कि इतने सारे जनाजे मेरे आकाश अलैहि वसल्लम ने अपने घर से उठाए लेकिन दीन की खिदमत में कोई कमी आने दी दीन की इशात में कोई कमी आने दी दीन के मामलात में कोई आपने सुस्ती की बिल्कुल नहीं मेरे आकाश तआला अलैहि वसल्लम ने हर मामलात के बाद हर परेशानी के बाद और हर तकलीफ के बाद और भी ज्यादा मजबूत होकर के दिन की खिदमत फरमाई है आपने एक दो नहीं तीन चार नहीं अकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों मुसीबतें आई हजारों परेशानी आई बल्कि खुद मेरे अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जितने भी अंबियाए की तशरीफ लाए उन तमाम नबियों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया गया है और किसी पर जुल्म किया गया है तो यह मुझ पर किया गया है और मुझे सताया गया है मुस्तफा करीम के दीवानों अंदाजा लगाओ कमो बेश एक लाख चौबीस हजार अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए उन तमाम नबियों को सताया गया उन तमाम को परेशान किया गया किसी को तो आरे से चीर दिया गया किसी के तो जिसम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और किसी को भूखा और प्यासा ने दिया गया और वो दुनिया से रुखसत हो चुके लेकिन मेरे आका फरमाते तमाम नबियों और रसूलों में सबसे ज्यादा किसी को सताया गया है और किसी पर जुल्म किया गया है और किसी पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं तो ये मेरी ही जात है मुझ पर सबसे ज्यादा परेशानियां आई है पता चला कि मेरे वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी सब्र किया है पूरी जिंदगी सब्र किया है मुसलमानों हमने तो कहां सब्र किया है हमने कौन सी मुसीबतें देखी है हमने कौन सी तकलीफों का सामना किया है हमने कौन से बड़े हादसा का सामना किया है हमने तो कुछ भी नहीं झेला दीन के खातिर कुछ नहीं झेला दीन के खातिर बल्कि आज कुछ लोग अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो चंद शरारती लोग भी उस नमाजी को सताने की कोशिश करते हैं अब तेरा दिन किधर से निकलने लगा अब तक तो कभी मस्जिद नहीं जाता था अब तो नमाजी बन गया इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं और वो नमाज पढ़ने वाले को भी फिर नमाज ना पढ़े इस तरीके से उसको भी सताते हैं अगर कोई इस्लामी लिबास पहनने की शुरुआत कर दे तो फिर उसको भी लोग ताना देते हैं जनाबे वाला अब तक कहा गए थे अब क्या हो गया है अब क्यों बदल गए हो तो क्या कोई नेक बने उसमें भी दर्द हो रहा है कोई अच्छे काम करे उसमें भी तकलीफ हो रही है मुस्तफा करीम के दीवानों और फिर ऐसे जुमले सुनकर लोग फिर वो रास्ता छोड़ देते हैं नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं इस्लामी लिबास पहनना छोड़ देते हैं अगर कोई चेहरे पे दाढ़ी सजा लेता है तो फिर घर के अंदर किसी की मां ताने देती है किसी का बाप ताने देता है किसी का भाई कुछ कहता है उसके दोस्त कुछ कहते हैं तो किसी की बीवी कुछ कहती है और इस तरीके से जुमले कहे जाते हैं कि अभी तो बहुत बड़ी देर है अभी से क्यों दाढ़ी रख ली है बड़ी देर है यानी इन जनाब को पता है कि अभी मेरी मौत नहीं आने वाली मैं बड़ा लंबा जीने वाला हूं इनको इलमे गायब हो गया है उन्हें खुद का नहीं पता कि वो कल तक जिएंगे या नहीं जिएंगे लेकिन अगर कोई दाढ़ी रख ले तो फिर ताने देना शुरू कर देते हैं अभी से क्या हुआ था अभी तो जवान हो अभी से डाँडी रख ली तो क्या शरीयत के अंदर जवान को दाढ़ी रखने का हुक्म नहीं है बल्कि जब से दाढ़ी आती है उसी वक्त से दाढ़ी रखने का हुक्म है शरीयत मुतहरा के अंदर उसी वक्त से रखने का हुक्म है निकालने का हुक्म ही नहीं है लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह अगर कोई सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करता है तो उसको भी सताया जाता है उसको भी ताने दिए जाते हैं उसको भी दो चार अल्फाज सुनाए जाते हैं लेकिन याद रखें इसीलिए तो मेरे आका ने ऐसी सुन्नतों पर अमल करने पर सवाब भी ज्यादा अता फरमाया है फरमाया है मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई फसाद उम्मत के वक्त मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह ताला उस बंदे को सौ शहीदों का सवाब अता फरमाएगा एक सुन्नत को जिंदा करे कितना स्वाब सौ शहीदों का स्वब एक बंदा जो अपना जिसम कटा रहा है अपनी गर्दन कटा रहा है अपने जिसम को छलनी छलनी कर रहा है उसको वही सवाब मिलता है जो शहादत का है लेकिन अगर कोई एक सुन्नत जिंदा कर दे तो सौ शहीदों का सवाब इतना फर्क क्यों तो फरमाया गया इसकी इस हदीस की तशरी के अंदर कि शहीद जब होता है तो उसे एक बार जख्म लगते हैं एक बार चोट लगती है एक बार तकलीफ होती है लेकिन किसी को सुन्नत पे जब चलना हो ना तो हजारों तकलीफों का सामना करना पड़ता है हजारों ताने सुनने पड़ते हैं हजारों जुबानों के जख्म सहने पड़ते हैं इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने सुन्नत पर अमल करने पर सौ शहीदों का सवाबता फरमाया है सौ शहीदों का स्वाबता फरमाया है तो जो सुन्नते आरे से मिटाई जा रही हो जो सुन्नते समाज से खत्म की जा रही हो उस सुन्नत को अगर कोई बंदा जिंदा कर देता है अल्लाह सो शहीदों का सवाबता फरमाएगा बहुत सारी सुन्नतें हैं जिसको आप जिंदा करना चाहें बहुत सारी सुन्नते हैं जिसको आप जिंदा करना चाहें आप, चाहे। आप देखें तो आज कल मिसवाक की सुन्नत खत्म हो रही है कोई भी बंदा आपको मिसवाक करता नजर नहीं आएगा लेकिन अगर कोई इस नीयत से मिसवाक की शुरुआत करे कि मैं हुजूर की सुन्नत को जिंदा करूंगा तो अल्लाह ताला उस बंदे को सौ शहीदों का सवाब पता फरमाएगा आंखों में सुरमा लगाने की सुन्नत खत्म हो रही है कुछ लोग लगाते हैं लेकिन उनकी नीयत सुन्नत की नहीं होती कोई ग्रीन लगा रहा है कोई रेड लगा रहा है कोई ब्लू लगा रहा है कोई वाइट लगा रहा है उनकी सुन्नत की नीयतें नहीं होती उनकी नीयतें सिर्फ फोटो खिंचाने की होती है उनकी नीयतें सिर्फ स्टेटस बनाने की होती है उनकी नीयतें बस इसी तरीके से लोगों के सामने अपनी आंखों की खूबसूरती जाहिर करने की होती है तो उसमें तो सवाब ही नहीं मिलने वाला सुन्नत की नीयत से सुरमा लगाए सुन्नत की नीयत से तो अगर ये सुन्नत आज खत्म हो रही है कोई इस सुन्नत को जिंदा करे और रोजाना सोते वक्त सुरमा लगाने की आदत डाले क्योंकि मेरे आका बिस्तर पर जाते वक्त सुरमा लगाया करते थे तो अगर ये सुन्नत को अगर कोई जिंदा करे तो अल्लाह ताला उस बंदे को सौ शहीदों का सवाब बता फरमाएगा सौ शहीदों का सवाबता फरमाएगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नबी पाक सल्लाह वसलम जुल्फे रखा करते थे आज इस सुन्नत पे कोई अमल ज्यादा करता नहीं है इल्ला अशा कुछ करते होंगे कुछ नहीं करते बल्कि ज्यादातर अवाम में तो कोई नहीं करता शायद कोई आलिम दीन या कोई हाफिज कुरान या कोई मुबलिक करता होगा पब्लिक के अंदर कोई इस सुन्नत पर अमल नहीं करता क्योंकि उन्हें तो दूसरे लोगों के हेयर स्टाइल बहुत पसंद है हुजूर के हेयर स्टाइल किसी को पसंद ही नहीं माजल्ला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि मेरे आका हमेशा जुल्फ रखते थे हमेशा और जब जुल्फे होती तो इतनी होती कि कानों की लौ को टच कर जाती थी और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो सिर्फ कंधे को टच कर लेती इससे ज्यादा बड़ी जुल्फे हुजूर ने कभी रखी नहीं है यह हद है उसकी तो अगर कोई आज इस नीयत से रखे कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा करूंगा कोई नहीं कर रहा यह सुन्नत खत्म हो रही है तो मैं ये सुन्नत पे अमल करूंगा और मेरे अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सर के अंदर बीच में मांग निकाला करते थे आवाज से फरमाय कहा निकालते थे मांग बीच सर में मांग निकालते थे हुजूर ने कभी एक तरफ मांग नहीं निकाली और आज 99% फीसद लोग एक तरफ ही मांग निकालते यह भी सुन्नत के खिलाफ है बिल्कुल खड़े बाल जमा देना यह भी सुन्नत के खिलाफ है इसलिए सुन्नत यह है कि बीच में मांग निकाली जाए बल्कि कुछ लोग तो अगर लड़का बीच में मांग निकाले तो कुछ औरतें और कुछ लोग यूं कहते हैं ये क्या लड़की की तरह मांग निकाली है तूने माज मांग की मांग को तुमने लड़की की मांग बना दिया मेरे आका ने बीच में मांग निकाली है और हमेशा इसी पर आपने मुदावमत फरमाई है की फरमाई है मेरे वसल्लम हमेशा बीच ही में मांग निकालते थे तो अगर कोई आज से इस नीयत से बीच में मांग निकाले कि ये हुजूर की सुन्नत है और ये सुन्नत मिट रही है मैं जिंदा करूंगा इस सुन्नत को तो अल्लाह ताला सौ शहीदों का सवाबता फरमाएगा दाढ़ी रखना ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है तो सुन्नत मुस्तफा की नीयत से दाढ़ी रख लें तो अल्लाह ताला सौ शहीदों का स्वाबतः फरमाएगा बहुत सारी सुन्नतें हैं ऐसी ढेर सारी सुन्नतें ऐसी जिसको जिंदा करने की बड़ी अशद जरूरत है दुनिया से अब धीरे धीरे सुन्नतें खत्म हो रही है और फैशन का दौर चल पड़ा है लोग फैशन पे अमल करते हैं सुन्नत पे अमल नहीं करते बल्कि फैशन को ज्यादा पसंद किया जाता है और सुन्नत को हकारत की निगाह से देखा जा रहा है माज अल्लाह सुन्नत पे अमल करने वाले को हकीर समझा जाता है माज अल्लाह तो यह नहीं होना चाहिए अगर किसी ने हुजूर की सुन्नत का मजाक भी उड़ाया तो वह बंदा भी काफिर है वो बंदा काफिर है मजाक नहीं उड़ा सकते हाँ तुम अमल करो ना करो अलग बात है लेकिन मजाक उड़ाए कोई तो ये बंदा काफिर है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक भी नहीं उड़ा सकते बल्कि यहां तक फरमाया गया अगर कोई मेरे नबी के कपड़े को मेला भी कह दे तो वह भी काफिर है के कपड़े को मेला भी नहीं कहा जा सकता ये शान हैजूर सल्लाम की ये मकाम और मरतबा है हुजूर का तो कहने का मतलब यह है कि सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश करें सुन्नतों को जिंदा करें यकीन जाने अल्लाह तबारक व तला सौ शहीदों का स्वाबता फ़रमाएगा आप शहीद तो नहीं हो सकते लेकिन सौ शहीदों का सवाब जरूर पा सकते हैं सुन्नतों पर अमल करके तो मैंने आप हजरात के सामने आज हज़रत सैदा रुक़्या रजियहा हज़रत सैदा उम्म कुलसूम रजियल्लाह ये दो मुक़दस शहज़ादियों का जिक्र आपके सामने किया और ये आपके लिए यकीनन एक नई मालूम थी मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको याद रखेंगे और उनकी जिंदगी को पढ़कर समझकर सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने की कोशिश करेंगे और जब भी मुसीबत आए तो फिर आप शिकवा नहीं करेंगे बल्कि यूं कहेंगे कि जब सारी कायनात के सरदार नबी आखिर उस जमा की बेटियों पर तकलीफे आ सकती है तो अगर हम पर तकलीफ आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है जब उन्होंने सब्र किया था तो हम भी सब्र करेंगे तो इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करे वाखिर दावाना अनिल